यूपी के बहराइच में बरियापुरा बाड़ी हाट मोहल्ले में एक एजेंसी से चोरों ने सोमवार रात 10 लाख रुपए कीमत के मोबाइल हैंडसेट को पार कर दिया। ये इलाका नगर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर है। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। एजेंसी होल्डर के थाने में तहरीर दी गई है। इलाकाई पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन से चोर थे जिन्होंने 10 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल हैंडसेट को पार कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर दुकान के मालिक का क्या कहना है। मुझे हमको पता चला फोन जाता है हमारे पार्टनर अनस का कि दुकान में चोरी हो गई। जब यहाँ पहुँचते हैं तो शटर कटा हुआ था यहाँ का बाहर का, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग कोतवाली सीधे चले गए। वहाँ से जो है चार साहब जो हल्का जो है सिविल लाइन के हैं उनको लेकर के जब आए, उन्होंने फिर बगल वाला दुकान भी हमारी है उसका जब ताला खोला गया तो अंदर सारा माल बिखरा हुआ था, सारे मोबाइल के डिब्बे पड़े हुए थे, सारा मोबाइल उसके अंदर से चोरी का जो है फिर वो फिर उन्हीं के सामने सारे जो है डिब्बे और वो सारा सब कुछ किया गया कि कितना चोरी हुआ है। तो वो अभी डिब्बे काउंट हो रहे हैं क्या है, लमसम 10 लाख रुपए तक का जो है वो अंदाज़ा लग चुका है कि लिख चुके हैं वो, और बाकी अभी देख रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है। ये सैमसंग मोबाइल की दुकान है बरियापुरा थाना कोतवाली नगर में। वहाँ चोरी की सूचना है और उस सूचना पर सीओ एडिशनल एसपी और थाना अध्यक्ष गए हैं। उसमें हम लोग शीघ्र कार्रवाई करके इनको चोरों का पता लगा के माल बरामद कर चुके हैं। शहर में आए दिन हो रही चोरियों पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? दिन प्रतिदिन चोरियाँ हो रही हैं। हाँ, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सुबह और शाम समय बदल बदल कर हम लोग चेकिंग भी करते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, गश्त भी करते हैं। और इधर जो एक आध चोरी हमारे हरदी क्षेत्र में और इधर नगर क्षेत्र में एक आध जो चोरी होंगी उसके लिए हम लोग विशेष टीमों का भी गठन करके प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उनको खोला जाए और इसमें इसकी बरामदगी की जाए। और चोरियों को रोकने के लिए भी विभिन्न कदम, चाहे वो पेट्रोलिंग के माध्यम से हो, चाहे टैलेंटेड की गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे गश्त के माध्यम से हो या पिकेट के माध्यम से हो, उसमें सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगा के भी हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि जो चोरियाँ इधर हुई हैं उनका पता हो लगे और आगे ना हो पाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट।